हेलो भाई, नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है भाई अपना? शेख बिश्नोई। शिव बिश्नोई? अभिषेक बिश्नोई। अभिषेक बिश्नोई। हाँ। तो अभिषेक भाई, क्या लेके आए हो? एक घोड़ा सिंधी। एक घोड़ा सिंधी। हाँ। उम्र क्या है पहले तो ये बताओ। 5 साल। आप अपनी उम्र? मेरी उम्र 18 साल। 18 साल। हाँ। तो घोड़ों का शौक कैसे लग गया आपको? 18 साल में अभी तक खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी? अब घोड़ों का घर पे रखते हैं इसलिए शौक लग गया। मैं तो कितने टाइम से रखते हैं घोड़े घर पे? घोड़े पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी? सब सिंधी? सब सिंधी। और कितने घर पे घोड़े? घोड़े 5 सिंधी, सब सिर्फ सिंधी। और रहने वाले कहाँ के हो? हम सांचौर के। सांचौर के। हाँ। तो आपके सांचौर में तो मारवाड़ी भी रखते हैं? बहुत सारे मारवाड़ी रखते हैं, पर हम सिंधी के शौक है। सिंधी के शौक है। तो आप राइडिंग वगैरह कर लेते हो? राइडिंग कर लेते। पहली बार कितनी उम्र में बैठे थे घोड़े पे? पहली बार 12 साल का था तब। 12 साल का था जब? हाँ। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? अब मैं हूँ BSc सेकंड ईयर। BSc सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर। तो इस घोड़े के बारे में बताओ, क्या खासियत रहती है सिंधी घोड़े की, आपको क्या लगा? यानी ये रेवाल चाल के सिंधी घोड़े तो। अच्छा, रेवाल चाल के लिए। हाँ। बाकी और क्या खासियत रहती है सिंधी की? अब इसके मारवाड़ी के और इसमें बहुत फर्क है। ये क्या है, रेवाल चाल के सिंधी होते हैं और इसके ऊपर बैठने से कोई भी मतलब जोखिम नहीं रहता। ऐसे जोखिम नहीं रहता? नहीं। कितनी बार बैठ चुके हो अभी तक तुम घोड़े के ऊपर? मैं तो बहुत बार बैठ चुका हूँ। बहुत बार बैठ चुका अभी? हाँ। तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने सिखाई थी राइडिंग वाइडिंग के? खुद ही बैठ गए थे ऐसे? नॉर्मली सीख गए। नॉर्मली सीख गए। हाँ, घर पे घोड़ी थी इसी। अच्छा, तो अभी इसको बलोत्रा मेले में क्यों लेके, सेल के हिसाब से लेके आए हो के दौड़ के हिसाब से? और चलाने भी लाए। चलाने के लिए भी लाए। तो रेस में पार्टिसिपेट करवाओगे इससे? करवाएंगे। करवाएंगे। क्या चाल वगैरह क्या रहती है इसकी? 34-35 है। 34-35। तो मोटरसाइकिल लगा के चेक करते हो? कैसे चेक? गाड़ी से चेक किया। गाड़ी से। तो कितने टाइम से ये घोड़ा अपने पास में? ये बचपन से ही। बचपन का बच्चा है हमारे घर की घोड़ी का। अच्छा, आपने घर की होम ब्रीड है? हाँ। तो क्या उम्र है इसकी घोड़े की अभी? 5 साल। 5 साल है। हाँ। और इसका बाप कौन है घोड़े का? बाप तो हमारे गांव का ही था। गांव का ही था। हाँ। सिंधी घोड़ा था वो? सिंधी घोड़ा था। तो अभी इसको यानी चाल के लिए लेके जाओगे तो इसलिए सेट कर रहे हो मामला है? हाँ। तो चलाता कौन है इसको? चलाता बाजी भी चलाता है, मैं भी चलाता हूँ और मेरे ताऊ जी वो भी। बाजी साहब की क्या उम्र है? क्या उम्र है भाई साहब? 70 साल। तो 70 साल की उम्र में चला लेते सिंधी घोड़ा बराबर? बराबर। 3 साल से ये बंद। अच्छा, 3 साल से बंद है? नहीं नहीं, इस साल से। इस साल से बंद कर दोगे? अभी बंद करेंगे, अभी तक चला रहे हैं। अच्छा, इस मेले के बाद में बंद कर दोगे? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? 34-35। ये अकेला ही है, बेटा एक ही है। यानी इसके बाद संन्यास ले लोगे? यो घोड़े से संन्यास? घोड़े के ऊपर बैठने से संन्यास ले लोगे? हाँ, घोड़ा तो रखेंगे मगर। भाई आ जाओ, इधर आ जाओ माइक। आप भाई इन बाबूजी के पास में आओ, इधर इधर इनको इधर लो। आवाज नहीं आएगी माइक आपके लग रहा है ना इसलिए। तो बाबूजी तो मेरे को लगता है बचपन से चला रहे थे क्या घोड़े? बाबूजी बचपन से। अब संन्यास दिलवा दोगे इस मेले से? बस घोड़े से संन्यास ले रहे हैं, घोड़ा रखेंगे तो फिर। अच्छा, मगर चलाना संन्यास है। संन्यास तो भाई साहब आपको क्या खासियत लगी सिंधी घोड़े में? इतने टाइम से आप सिंधी घोड़े चला रहे हो, क्या लगा, क्या करंट है, क्यों रखे लोग इसको? रखे तो शौक के लिए। शौक के लिए। तो आप कितने टाइम से घोड़ों में? घोड़ा तो कम से कम 50 साल। 50 साल से। तो आप इनके क्या लगते हो? ये इनके पापा हैं। अच्छा, और ये यानी कि 3 पीढ़ी अपने सामने खड़ी है घोड़े के साथ में? ये गणेश का लड़का है हमारा। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है कि अब भाई को 18 साल की उम्र में घोड़ों का शौक लग गया है ना। तो अभी इसको चला के चाल के लिए लेके जाओगे? हाँ। तो कितने राउंड कटवाते हो इसके? 3-4 राउंड कटाएंगे। 3-4 राउंड। हाँ। फिर इसको स्टॉप कर दोगे? बाद में स्टॉप कर देंगे। चलो भाई साहब का केक वेक कटवाना है यार, मेले से जाने के बाद में संन्यास ले रहे भाई साहब यार इतने साल बाद घोड़ों से। क्या नाम रख रखा है घोड़े का? घोड़े का तूफान। तूफान। हाँ, ओके। छोटा था तब तूफान बहुत करता था। अच्छा, यानी कि उदम करता होगा। हाँ। तो इसलिए नाम ही तूफान रख दिया। हाँ। चलो बहुत बढ़िया।